السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती बरकतुल्ला साहब कासमी दामद बरकातहुम, हम आपका अपने शोबे इफ्ता की इस क्लास में आपका इस्तकबाल करते हैं, जो कि इस वक्त तमाम तलबा मौजूद हैं ऑनलाइन, और ये हमारे लिए एक तारीखी दिन है, और इस हैसियत से भी कि जामिया में आज आपका पहला मुहादरा है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह सुबहानहू व ताला ने मालियात और माशियात के निज़ाम के ऊपर आपकी जो गहरी नज़र है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, और इस्लामी तालीमात की रोशनी में जो इस्लाम का नुक्ते नज़र है माशियात के सिलसिले में, उस पर हमें और हमारे तलबा को और असातिज़ा को भरपूर इंशाअल्लाह इस्तिफादे का मौका मिलेगा। मैं कुछ तलबा से मुखातब होकर मैं तारुफी कलिमात अर्ज़ करना चाहता हूँ। अज़ीज़ तलबा, ये आपके लिए भी बड़ी खुशकिस्मती है कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर मारूफ़ आलिम दीन जनाब मौलाना मुफ्ती बरकतुल्ला साहब इबन अब्दुल क़ादिर साहब कासमी दामद बरकातहुम आज आपके दरमियान मौजूद हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप देवबंद के फाजिल हैं, और आप 1973 में दारुल उलूम देवबंद से फारिग हुए, फिर आपने इंग्लैंड से दोबारा अंग्रेज़ी ज़बान और माशी उलूम की तालीम हासिल की, और हाई स्कूल से लेकर मास्टर डिग्री तक आपने मुकम्मल की, और 1986 से आप कुरान, हदीस, फ़िक़ह और सीरत के लिटरेचर का जो डेटाबेस है उसको कंप्यूटराइज करते रहे हैं, और ये आपका इतना लंबा अरसा जो गुज़रा है वो कुरान करीम और अहादीस मुबारका और फ़िक़्ह और सीरत से मुतालिक जो मवाद मौजूद है किताबों में, लाइब्रेरियों में और आलमी सतह के ऊपर, उसको कंप्यूटराइज करने की खिदमत आपने अंजाम दी है। और आपके खसूसियत ये भी है कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर मुख्तलिफ जो फ़िक़ही और मालियाती इदारे हैं उनके अंदर आप अपने लेक्चर होते रहते हैं। इस वक्त आप लंदन में मुकीम हैं, और आपको वहीं की शहरियत भी हासिल है, और आपका जो आबाई वतन है वो भिवंडी है, और इत्तेफाक़ से मुझको मालूम हुआ कि आप तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो मैंने इस मौके को बहुत गनीमत जाना, हमारे तलबा को और असातिज़ा को आपसे इस्तिफादे का मौका मिले, और हम सब को जो एक मौका अल्लाह सुबहानहू व तआला ने अता फ़रमाया उससे फ़ायदा उठाते हुए और उसको गनीमत जानते हुए एक नया बाब हम खोलें, हमको ज़रूरत भी थी इस बात की जो मसाइल मालिया से मुतालिक आते हैं और बैंकिंग के निज़ाम से मुतालिक आते हैं, उन सवालात का शराई जवाब हमारे तलबा को मालूम होना चाहिए और उनसे वाकिफियत भी होनी चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप की इसमें शिरकत हमारे लिए बाइस खैर और बरकत भी है, और एक नए बाब का इजाफ़ा हुआ है जामिया की तारीख में कि आपके जो मुहादरात हैं वो अभी इस क़याम के दौरान ईद से कबल तकरीबन 3 मुहादरात होंगे, और जहाँ तक आपकी ज़ाते ग्रामी का ताल्लुक़ है, लंदन की शराई मजलिस के आप काजी और फतवा हेल्पलाइन के आप ज़िम्मेदार भी हैं, और मुख्तलिफ मालियाती इदारों और बैंकों के शराई मुशीर भी हैं आप, ख़ुद इंग्लैंड के अंदर भी और यूरोप में और अरब ममालिक में भी, और ख़ुसूसियत से टाटा म्यूचुअल फ़ंड जो है
उसका जो टाटा म्यूचुअल फंड जो है उसका जो एक तरीके से सर्टिफिकेशन वो आप ही देते हैं, आप ही की दस्तखत से जारी होता है। तो गया के फर्स्ट हैंड से आपको बराह रास्त जो है वो इस्तेफादे का मौका मिल रहा है, ये हम लोगों के लिए बड़ी सआदत और ख़ुशी की बात है। तो जैसा कि अजीज़ तलबा आपके इल्म में है कि आज के हमारे मुहादरे का जो मौजू है, आज का जो मौजू है वो जदीद बैंककारी निज़ाम इस्लाम की रोशनी में है, और कल आइंदा कल का जो मौजू होगा वो हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट के मौाक़े और इम्कानात हैं, और जो जुमेरात को आपका तीसरा मुहाजरा होगा वो शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट की शरई हैसियत। बाकी मौजूद इंशाल्लाह आइंदा आते रहेंगे। एक या दो मुहाजरे आपके आपके वापसी के सफ़र से कबल ईद के बाद भी होंगे, तो जैसे हमारे अजीज़ तलबा को इतला मिले वो पूरी दिलचस्पी से इसमें हिस्सा लें। आखिरी बात मैं इस मुहादरे के शुरू होने से पहले आप हजरात से अर्ज़ करूं कि दरमियान में 1.5 घंटे का जो वक्त है उसी 1.5 घंटे के अंदर अंदर सवाल जवाब का वक्फा भी होगा, और उस सवाल जवाब में आप सिर्फ मौजू से मुतालिक ही सवाल करेंगे और मौजू से गैर मुतालिक सवाल नहीं करेंगे, ताकि मौजू पर इहाता हो सके। मैं तारुफ के लिए अब मैं दरख्वास्त करता हूँ मुफ्ती बरकतुल्ला साहब कासमी दामद बरकातहम से, वो अपने मुहादरे का आगाज़ फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाहु ताला फिद्दारैन। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुर्सलीन व अला आलिही व असहाबी अजमईन अम्मा बाद। रब ज़िदना इल्मा। हम्दु सलात अल्लाह की तारीफ और दरूद और दुआ के बाद, जैसा कि तारुफ हुआ है, मेरी पिछली 15 साल ज़िंदगी जो है वो मालियाती इदारों के मुशीर की हैसियत से रही है, अलावा जो खिदमात होती हैं, और इस लिहाज से न सिर्फ बरतानिया बल्कि हिंदुस्तान में भी जितनी कोशिशें हुई हैं और हो रही हैं उसमें भी अल्लाह ने हिस्सा इनायत फरमाया है कि मैं उनका भी यहाँ हिंदुस्तान में। इस लिहाज से मैं मुनासिब समझता हूँ कि दारुल इफ्ता तखसुस इफ्ता के मुशारिकीन के सामने थोड़ा सा बैकग्राउंड मौजूदा मालियाती निज़ाम में का जो किरदार है वो आपके सामने पेश करूं। एक तो है उमूमी किरदार बैंकों का, दूसरा है कि उन बैंकों में इस्लामी तरीका क्या हो सकता है, उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। तो पहले तो बैंकिंग की तारीख और बैंकिंग के जो फंक्शन हैं उस पर मुख्तसर 15 मिनट में रोशनी डालूंगा, उसके बाद पूर्व मुख्तसर आपके सामने पेश करूंगा और फिर आखिर में सवाल जवाब होगा। और उसके साथ साथ मैंने हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी हाफिज़हुल्लाह की जो किताब है इस पूरे मौजू पर वो हमारी अपनी ही जबान में और फ़िक़ही इस्तिलाहात के साथ है वो आपके साथ शेयर होगी, कि आज के लेक्चर के खुलासा सुनने के बाद आप अगर पढ़ना चाहें मज़ीद और अपने मौजू पर अच्छी तरह साहिब बसीरत बनना चाहें तो वो किताब जो है बहुत ज़रूरी है। 200 सफ़े से कम, 190 सफ़े की किताब है, लेकिन कोई ज़हमत नहीं होगी इंशाल्लाह। तो आइए हम शुरू करते हैं कि लफ्ज़ बैंक जो है हम सबको मालूम है, और अक्सर हम में से अक्सर लोगों का हिसाब और अकाउंट खाता रहता है बैंकों में, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि बैंक क्या है कैसे है, लेकिन थोड़ा सा उसकी तारीख जब समझ में जब हम समझ लें तो उसके डेवलपमेंट और उसके सूदी निज़ाम की तरफ जाने की वजह समझ में आती है, और फिर उसको जो इस्लाम की तरफ और इस्लामी निज़ाम की तरफ हम लाते हैं वो भी अच्छी तरह समझ में आ सकता है। जब लफ्ज़ बैंक जो है ये BANK है, लेकिन ये इटालियन लफ्ज़ है BANC, बैंकों BANCO,
जो इटालियन जबान में उसको कहते हैं टेबल को, तो ये जो मौजूदा बैंकिंग निज़ाम है ये 450 साल पहले इटली में शुरू हुआ था। इटालियन जो ताजिर थे उनको जब ज़रूरत पड़ती थी तजारती मामलात में पैसे लेन देन के या उधार के, तो टेबल पर बैठे हुए जो साहूकार होते थे वो फराहम करते थे। तो उस 450 साल पहले सिक्के जो राज थे वही सोने और चांदी के सिक्के थे, लेकिन सोने और चांदी का बड़े पैमाने पर मुंतकिल करना और एक दूसरे को लेना देना खतरनाक था और है। हमारी ख्वातीन के गलों से सोने की चेन छीन ली जाती है तो उसमें लूटने का खतरा होता है। लिहाजा जो सुनार या साहूकार थे उनके पास लोग बैंक वो सोना रख दिया करते थे और उसकी रसीद ले लिया करते थे, और उसी रसीद को जब किसी और को सोना देना होता था तो वो रसीद दे देते थे कि ये ले लेना वहां से। तो इसी तरह इन 450 साल पहले आहिस्ते आहिस्ते सोने के डिपॉजिट की रसीदें हाथों हाथ बदलती रही ताजिरों के हाथ, और उससे लेन देन सेटल होता रहा। तो जो कि आजकल हम हुकूमत के जारीशुदा नोट्स जो नज़र आते हैं ये एक उसकी डेवलप शक्ल है, उसकी बहुत ही तरक्की याफ्ता शक्ल है। शुरू में वो सुनारों के रसीदों और साहूकारों की कागजी रसीद लेन देन की से शुरू हुआ था। आहिस्ते आहिस्ते इटली से यूरोप, यूरोप से फिर अमेरिका और सारी दुनिया में ये जो नौआबादियाती निज़ाम है, यानी जो ब्रिटिश जैसे ब्रिटिश जो हुकूमत सारी दुनिया में रही है, अंग्रेजी हुकूमत, उसके जरिए बैंककारी जो है वो सारी दुनिया में फैल गई। और 1970 तक, यानी पिछले 450 साल तक, इन नोटों का जो ताल्लुक वो सोने से कायम था। आप देखेंगे पुराने नोट्स में लिखा है कि मैं इस नोट के हामिल को इतनी रकम अदा करने का अहद करता हूँ। उर्दू में भी लिखा हुआ है, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसकी कॉपी फराहम कर दूंगा। लेकिन 1970 के बाद से इन नोटों का ताल्लुक सोने से कट गया, और अब हुकूमत के हुक्म और उसकी गारंटी की वजह से ये नोटों का तब इन रवाज है और वो है। और बैंक जो हैं वो गोया इन्हीं नोटों के रखने बजाय सोने या चांदी के, इन्हीं नोटों के अपने खजानों में रखने, हिफाजत करने, लोगों को देने, लेन देन और उसके सेटलमेंट के जरिए का जरिया बन गए। लेकिन बदकिस्मती से ये चूंकि यूरोप में शुरू हुआ, इटली में खास तौर से, और इटली भी पापाए रोम का दारुसल्तनत रहा है, रोम। तो हालांकि सूद जो है वो हराम है क्रिश्चियनिटी में, यहूदियत में और इस्लाम में, तीनों मजहबों में, लेकिन सियासी मसलहतों और ज़रूरतों और न जाने किन किन वजूहात से पापाए रोम ने सूद को एक खास हद तक जायज करार दिया, और उसकी वजह से ये जो नोटों का और बैंकों का जो निज़ाम चला है वो सिर्फ और सिर्फ सूदी कर्जा देने लेने और मामलात मालियात के तबादले का जरिया रह गए, और प्योरली उसका यानी खास तौर से सिर्फ उसी में, यानी सूदी निज़ाम ही का, सूदी निज़ाम ही में ये बढ़ा और दुनिया भर में छा गया, ये नहीं हुआ। चुनांचा सारे बैंकों के पास सिर्फ यही है कि आपको चाहे ज़ाती कर्जा चाहिए या तजारती चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, हुकूमतों को जो कर्जा चाहिए वो सब सूद पर लेना और सूद पर देना, यही उनका तरीका रहा। और एक ही काम पिछले 450 साल से बैंकों के जरिए किया जा रहा है।
अगर ये हिस्ट्री जहन में रहे, इसको कहते हैं फियाट करेंसी यानी पेपर करेंसी। हमारे उलमा और मुफ्तियाने किराम को पहले तरद्दुद था कि क्या ये पेपर करेंसी जो है ये खुद जर है या जर की रसीद है, इसलिए काफ़ी दिनों तक कंफ्यूजन रहा। लेकिन अब गालिबन कोई कोई इहतमाल बाकी नहीं रहा कि ये जो नोट्स हैं इनका कोई ताल्लुक अब इन गोल्ड सिल्वर और किसी चीज़ से नहीं रहा है। इसकी मालियत जो है हुकूमत अपने करारदाद और ऑर्डर से मुतय्यन करती है और मार्केट में लेन देन से उसकी कीमत मुतय्यन होती है। अब आते हैं हम बैंकों के फंक्शन की तरफ कि बैंक आप हमारा और आपका बहुत सबका अकाउंट है बैंकों में और रखते हैं। सबसे पहला तो ये मकसद होता है कि हमारे माल की हिफाजत हो और नोट भी और दूसरी चीज़ें भी रखी रहीं तो वो गुम जाती हैं, चोरी हो जाती हैं, भूल जाता है इंसान, तो बैंकों में रखने से उसकी हिफाजत होती है। तो सबसे पहला काम तो बैंकों में आम लोगों के लिए अपने ज़र की और अपने अपने बचत की हिफाजत की। लेकिन जब हिफाजत के लिए रख दिया तो फिर उसके लेन देन के लिए भी शक्लें चेक कार्ड और ऑनलाइन और मोबाइल के ज़रिए माशाल्लाह आजकल सब हो रहा है। तो जब बहुत सारा ज़र बैंकों में जमा होता है तो वो सिर्फ उसको दफन नहीं कर देते हैं बल्कि उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि मुल्क में मईशत, तिजारत, सनात आगे बढ़े। और जिन लोगों के पास फाजिल पैसा है और उन्होंने बैंक में रखा हुआ है उसको लेकर उन लोगों को दिया जाए, उन ताजिरों को दिया जाए या उन लोगों को दिया जाए जिनको उस ज़र की ज़रूरत है। चनांचे हमें आप सबको पता है कि लोग रखते हैं उसमें फिक्स डिपॉजिट के तौर से और ताजिरों को और सरमाए और फैक्ट्रियों को, हुकूमतों को, सबको बैंकों के ज़रिए कर्ज़ मिलता है सूदी, जो कि लोगों की जो बचत है उसी को दूसरों को देते हैं। तो दूसरा फंक्शन है बैंकों का हिफाजत के बाद सरमायाकारी का, यानी कर्ज़ पर सूद पर कर्ज़ देना, क्योंकि और कोई मामला इन लोगों की समझ में नहीं आया कि और क्या शक्लें हो सकती हैं। चुनांचे बैंक भी जैसे और तजारती इदारे रजिस्टर्ड होते हैं, बैंक भी एक स्टॉक एक्सचेंज एक यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है और उसका एक ख़ास फंक्शन होता है सिर्फ पैसा लेन देन, हिफाजत और लोगों को देने के लिए उसका इस्तेमाल होगा। बैंक खुद कोई तिजारत और दुकानदारी में मुलव्वस नहीं होगा, ये उनके चार्टर में और कानून में लिखा होता है। चुनांचे सिर्फ पैसों का लेना, हिफाजत करना, लोगों को कर्ज देना और चाहे और करंट अकाउंट, फिक्स अकाउंट, ये सब जो फैसिलिटीज़ हैं और एक दूसरे के अकाउंट को सेटल करना, ये तो नॉर्मल बैंकिंग का काम है। लेकिन एक ख़ास सूरत हाल ये हुई, अल्लाह ताला यानी कह सकते हैं कि यखलुकु मा ला तालमून के तहत कि इस पूरे प्रोसेस में ये हुआ कि 100 रुपया जो हमने जमा किया, क्योंकि सब लोगों को 100 रुपया हर वक्त जाके कैश निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उस 100 रुपये का तकरीबन 900 या 1000 रुपये तक जो है उसका कर्जा जो है बैंकों के पास ये फैसिलिटी हुई, ये उनको सहूलत रही कि हर 100 रुपये पर जो 100 रुपया उनके पास जमा हुआ तो 900 रुपये तक वो मार्केट में और ताजिरों को दे सकते हैं। इसको कहते हैं अमले तख्लीक ज़र, यानी पैसे से चंद पैसों को जैसे ज़रब देकर गोया उसको यानी उसकी जो मौजूदा मकदार है उससे कहीं 8-9 गुना 10 गुना ज़्यादा वो लोगों को फैसिलिटीज़, कर्ज और सरमायकारी फराहम कर सकते हैं। इसको कहते हैं तख्लीत ज़र का काम। तो तमाम बैंक जो है ऑटोमेटिकली टेक्निकली ये करते हैं और इसी वजह से बैंकों के पास
उनकी पास जो डिपॉजिट होता है, जो उनकी जो लोग जमा करते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा पावर उनके पास होता है, जो कि ये एक खास सूरत हाल है टेक्निकल, और जिसे तकनीकी तौर से उनको ये सहूलत रहती है। इस लिहाज से हर 100 रुपये पर 900 रुपया की ताकत उनके पास है, यानी 9 गुना ज्यादा। सिर्फ उनके पास 10% अगर कैश और नोट रहे तो 100% लोगों का काम चलता है। ये इजमालन ही मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। अच्छा, अब बैंकों में एक तो है जो पब्लिक से डील करते हैं, रिटेल बैंक्स हैं, फिर कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो सिर्फ यानी इंडस्ट्री और सनदकार और ख़ास ख़ास इंडस्ट्रीज़ के लिए होते हैं, उसको होलसेल बैंक कहते हैं, और कुछ बैंक ऐसे हैं जो पब्लिक से कोई लेन देन नहीं करते हैं, लेकिन जो पब्लिक का पैसा है उसको मार्केट में यानी इस्तेमाल करके, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट करके बैंकों के लिए प्रॉफिट कमाते हैं, यानी उसको होलसेल बैंकिंग कहते हैं। इसके अलावा बैंकिंग में और भी खसूसियात हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक है, क्रेडिट सोसाइटी बैंक्स हैं, और भी छोटे मोटे मकामी रीजनल और मुल्की सतह पर और इंटरनेशनल लेवल पर मुख्तलिफ साइज के बैंक होते हैं। इसके अलावा जैसे आम लोगों के साथ बैंकों का तआमुल है, इसी तरह बाज़ बैंक ऐसे होते हैं जो सिर्फ हुकूमतों के साथ बैंकिंग करते हैं, उसको डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी जद्दा में है, 1975 से कायम है, जो सिर्फ हुकूमतों से डील करता है, हुकूमतों से पैसे लेता है और हुकूमतों ही को देता है तरक्याती काम के लिए। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, इसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक भी है इसी तरह। तो इन ये जो रीजनल और नेशनल और इंटरनेशनल जो बैंक्स हैं, इन सब की निगरानी के लिए हर हुकूमत एक मरकजी बैंक बनाती है, जो हिंदुस्तान में उसको रिजर्व बैंक कहते हैं, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं उसको। तो मरकजी बैंक जो है बैंकों का कायदा कानून बनाती है और उनकी निगरानी रखती है कि वो कोई गैर कानूनी काम न कर सकें, और जब गैर कानूनी काम करें तो उनको यानी सही रास्ते पे लाया जाए या उन पर जुर्माना किया जाए। उम्मीद है कि यानी चूंकि हम लोगों को आमतौर से बैंकों से मामला अक्सर लोगों को पड़ता है, लेकिन आप समझ लें कि जब बैंकिंग हिंदुस्तान में आई है ब्रिटिश राज के ज़माने में, और वो भी कॉलोनियल यानी साम्राज्य इदारे के तौर से आई, तो मुसलमानों ने अक्सर और आमतुल मुस्लिमीन ने हमेशा बैंकों से एहतराज किया है और कभी अपना अकाउंट नहीं खोला है, क्योंकि उससे सूदी लेन देन की हौसला अफजाई होती थी। चनाचा आज भी मुसलमान हिंदुस्तान में और मुख्तलिफ जगहों पर अक्सर मजारिटी ऑफ मुसलमान जो हैं तौअन अकाउंट नहीं खोलते हैं, सिर्फ ज़रूरत के तहत अकाउंट खोलते हैं, क्योंकि इसका ये इस इदारे का तारीखी तौर से ताल्लुक रहा है यानी कॉलोनियलिज्म यानी इस्तेमारी ताकतों के एजेंट के तौर से, और मौजूदा सनती उसके नुमाइंदे के तौर से। तो अभी तक मुसलमानों को काफ़ी तहफ्फुज़ है, बल्कि एक आलिम ने एक मरतबा सवाल कर दिया कि बैंक जो खुद एक सूदी इदारा है और सूदी निज़ाम पे चलता है और और इस्तेमारी ताकतों के जरिए सारी दुनिया में फैला है, वो इस्लामी कैसे हो सकता है? यानी जैसे किसी ने ताज्जुब के तौर से कि ये इस्लामी होने का इम्कान ही नहीं है, हालांकि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे उलमाए कराम ने जब देखा कि आज की न तजारत हो सकती है, ना ज़राअत हो सकती है, ना हुकूमतें और ना इदारे और ना सनतें, कोई मुस्तगनी नहीं रहा है। यानी इब्तलाए आम ऐसा है कि बैंकों के बगैर मामलात करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। लिहाजा 1960 की दहाई से इसका इस्लामी मुतबादिल खुद तारीखी तौर से भी आहिस्ते आहिस्ते डेवलप हुआ, और कुछ उलमा ने मेहनत करके उसमें इस्लामी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया,
और सूद से पाक करने की कोशिश की। तो सूदी बैंकारी का मुतबादिल जो निज़ाम है वो इस्लामिक बैंकारी है। 1960 की दहाइयों में, यानी जब कॉलोनियल और ब्रिटिश यानी जो साम्राज्य ताकतों से जब मुस्लिम ममालिक आहिस्ते आहिस्ते आज़ाद होते गए, तो ये काम भी शुरू हुआ कि जो बैंक जो साम्राज्य ताकतों के जो इदारे थे उसको कौमी इदारों में तब्दील किया गया, और जहाँ जहाँ इस्लामी लोगों के अंदर इस्लामी तवज्जुहात थी तो वहाँ वहाँ उसको इस्लामी बनाने की कोशिश की गई। तो ये मैंने तो तकरीबन यानी 1980 की दहाई में जब माशियात पढ़ी है तो काफ़ी वक्त लगता है इसको समझने में, लेकिन मुख्तसरन आपके सामने मैंने एक तारीख पेश कर दी। जब आप मुताला करेंगे तो इंशाअल्लाह अजीज ये चीज़ समझने में बहुत आसानी होगी। लेकिन ये समझ लें कि पिछले 400 सालों में बैंकों के पास सिवाय सूदी कर्जे के कोई और नहीं रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ATM मशीन ईजाद की है, वरना कोई नई ईजाद बैंकारी में पिछले कई सौ सालों से नहीं हुई। लेकिन सारी ईजादात और नए नए तरीके जो हैं वो इस्लामी जो मुतबादिल बना है 1960 से लेकर अब तक, यानी तकरीबन 60 साल हो गए हैं क्योंकि सूदी बैंकारी के मुकाबले में इस्लामी बैंकारी का मतलब है कि इस्लामी उसूल की रोशनी में और इस्लाम की जो जायज़ हदूद हैं और हराम से बचते हुए जो बैंकारी कर सकते थे वो की गई। तो अब मैं जो सिर्फ लोन का जो तरीका है मौजूदा बैंकों में और उसकी जो तारीखी वजूहात हैं और उसके कायदे कवानीन हैं जर्मनी में या इटली में और यूरोप में कि बैंकों के फंक्शंस और उनकी सलाहियात चंद ही चीज़ों में है, सिवाय पैसा लेने देने कर्ज लेने देने के और किसी मामले में उनको शिरकत की इजाज़त नहीं है। लेकिन जब इस्लामी तरीके से इसको शुरू किया गया और इस्लामी तरीके इस्लामाइज करने की कोशिश की गई तो कानून में भी तब्दीली लाने की कोशिश की गई। चुनांचे बरतानिया में भी और दूसरे मुस्लिम ममालिक में भी बैंकारी का जो कानून होता है मरकजी बैंक के ज़रिए उसमें भी चेंजेस लाए गए कि इस्लामी बैंकों को इजाज़त हो कुछ तिजारती बुनियादों पर काम करने की, क्योंकि सूद तो हराम है और सूदी लेन देन न इस्लामी बैंक कर सकते हैं न उसमें शामिल हो सकते हैं, लिहाजा उनको तिजारत की इजाज़त दी गई स्पेशल तौर से, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और कायदे कानून के ज़रिए। इसीलिए पिछले 10 सालों से जब मनमोहन सिंह हिंदुस्तान में वजीर आज़म थे तो उस ज़माने से रिज़र्व बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हिंदुस्तान में भी इस्लामी बैंकिंग को इजाज़त देने की कोशिश यानी इम्कानात का जायज़ा ले रहे थे। तो ये समझ में आया कि मौजूदा जो कानून है जिसके तहत हिंदुस्तान में बैंकिंग चल रही है पिछले 80 साल से 100 साल से, उन कवानीन में सूदी लेन देन ज़रूरी है, लिहाजा इस कानून के तहत तो इस्लामी बैंक हिंदुस्तान में नहीं बन सकते, लिहाजा कानून को पार्लियामेंट से चेंज करना होगा ताकि इस्लामी जो तरीक मुतबादिल है उसकी गुंजाइश निकल सके मौजूदा बैंकिंग निज़ाम में, वरना जो मौजूदा कवानीन है वो बहुत ही यानी सूदी बेस हैं और बहुत ही रिजिड यानी बहुत ही फिक्स हैं जिनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अब आइए 1960 में कैसे शुरू हुआ। देखिए असल में सिंपल तरीका है, अल्लाह ताला ने हमारे जो 5 अरकान हैं नमाज रोज़ा हज ज़कात, इनमें से देखिए ज़कात का ताल्लुक फाइनेंस से है, हज का ताल्लुक भी सेविंग और फाइनेंस से है, और अकीमुस सलात व आतुस ज़कात की वजह से हर नमाज के वक्त भी कुछ पैसों का लेन देन होता है। तो अरकान अरबा ऐसे हैं हमारे जो चारों रुकन हैं इस्लाम के, वो उसका काफ़ी ताल्लुक फाइनेंस से है। चुनांचे हुआ ये कि जो लोग आपको अंदाज़ा होगा मुझे खुद तजुर्बा है कि हमारे वालदैन जब हज के लिए इरादा करते थे तो 10-15-20 साल तक बचत करते थे, 20-25 साल की बचत के नतीजे में
वो हज के लिए डिपॉजिट जमा कर सकते थे। तो हुआ यही कि नेचुरली मलेशिया में हाजी हजरात ने जो सेविंग जमा की थी हज तबंग के नाम से, वो एक ऐसे इदारे में जमा होती थी जो इस्लामी बुनियादों पर उसकी सरमायाकारी करके नफा में शिरकत, नफा में उसको हाजियों को की सेविंग है उसमें नफा देता था बजाय सूद देने के। हज तबंग के नाम से बैंक नहीं था लेकिन एक इदारा था जो हज तबंग के नाम से 1960 से, चुनाचे मलेशियन और इंडोनेशियन हाजी जो हैं बहुत मशहूर हैं वहाँ, और उनकी जो 10-15 साल तक जो जमा करते थे उसको लेकर हलाल तरीके से इन्वेस्ट करके उनको हलाल यानी मुनाफा देकर ये गोया इदारा बहुत बड़ा बना। अभी भी हज तबंग जो इदारा है मलेशिया का वो दुनिया के बड़े सरमायाकारी के इदारों में से है जो इस्लामी बुनियादों पर हमेशा से अपने शुरू के ज़माने से आज तक इस्लामी बुनियादों पर शिरकत और मुजारबत की बुनियाद पे कर रहा है। इसी तरह मिस्र में देखिए, कई हज़ार मील दूर मिस्र में भी 1960 में नासिर सोशल बैंक के तौर से, सोशल बैंक यानी माशरे की फलाह बहबूद के लिए बैंक बनाया गया था, उसमें गरीबों को गैर सूदी और तजारती बुनियादों पर कर्ज और सरमायाकारी फराहम की जाती थी। तो 1960 और 70 की दहाइयों में आहिस्ते आहिस्ते ये चीज़ें फलती फूलती गई मुख्तलिफ जगहों पर। 1975 में दुबई इस्लामिक बैंक बना जो कि तजारती सेंटर है। इसी तरह 1975 में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक बना, 46 मुस्लिम ममालिक ने मिलकर एक इंटरनेशनल बैंक बनाया ताकि मुस्लिम ममालिक में सरमायाकारी इस्लामी बुनियादों पर हो। तो ये गोया 1960 और 70 की दहाइयों में ये उसकी बुनियादें रखी गई हैं, और उसके बाद से ये पिछली यानी 2000 तक ये इतना पॉपुलर हो गए कि दुनिया के 75 ममालिक में तकरीबन 300 इस्लामिक बैंक हैं जो इस वक्त मौजूद हैं। 300 उसकी लिस्ट बैंकर मैगजीन में छपती है। तो ये तो सिर्फ आपके सामने मैं तारीखी तौर से पेश कर रहा हूँ। अब आइए हमारी फिकही नुक्ते नज़र से देखें कि जब सारे सूदी निज़ाम वाले बैंक जो हैं वो सूद ही पर लेते देते हैं और सूद ही हराम है, तो अब रास्ता किस तरफ जाए, किस तरफ हम जाएं। चुनांचे आप देखेंगे कि इस्लामी यहाँ भी माशाल्लाह और भी बयानात आपने सुने होंगे लोगों के, तो इस्लामी बैंकिंग और जो नॉर्मल सूदी बैंकिंग है उसमें फ़र्क यही है कि इस्लामिक बैंकिंग में मामलात जो हैं यानी जो बैंक का फंक्शन है वो वैसे ही रहा लेकिन बग़ैर सूद के शराकत व मुजारबत और वकाला मुराबहा इजारा सलम इस्तिस्ना, ये मैं सब अल्फाज मैं अभी इसकी तशरीह भी करूँगा आपके सामने, हालांकि आपने हिदाया में और सब जगहों पर पढ़ा होगा। एक पुराना तरीका था इन सब चीज़ों के करने का, और आजकल गोया उसी शरी तरीकों को, जो मामलात के जो शरी तरीके हैं उसी को मॉडर्नाइज करके माशाल्लाह दुनिया में अक्सर ममालिक में 75 ममालिक में ये काम जारी है। तो देखिए बैंकों का काम ये होता है जैसे कि आपने सुना मुझसे कि लोगों की बचत और रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात के पैसे हैं उनको हैंडल करना या उसको रखना देना दिलाना करना यही काम करता है। तो गोया वो कुछ लोगों से जिनके पास इस बचत की चीज़ें हैं या उनको ज़रूरत नहीं है हिफाजत में रखना है वो जमा करता है, और कुछ ज़रूरतमंदों को या ताजिरों को और सनतकारों को हुकूमतों को वो कर्ज देता है। तो असल फंक्शन जो बैंकों का था कि वो मुख्तलिफ लोगों के दरमियान एक वसीत, वसीत कहते हैं अरबी में, यानी एक एजेंट या एक वकील है जो कुछ लोगों से लेकर कुछ लोगों को देता है, लेकिन देने की बुनियाद तो उनके यहाँ चूँकि शरी जिम्मेदारी नहीं थी और उनकी शरीयत में यह अलाउ कर दिया गया था सूद पर देना, लेकिन हमारे यहाँ मना है। लेकिन यही फंक्शन हमारे यहाँ करने की जो तारीखी तौर से पूरे हज़ार साल इस्लामी दौर में यानी अब्बासी और उस्मानी दौर में
जो इंटरनेशनल ट्रेड थी, जो इंटरनेशनल तजारत थी, वो जिन बुनियादों पर चलती थी उस बुनियादों पर इसको शुरू किया गया। चुनांचा जब खिलाफत इस्लामिया वहाँ तुर्की में थी 1924 तक, उस्मानी खलीफा जब थे, तो 1913 में बैंक तजारत के नाम से खलीफतुल वहाँ तुर्की में इस्तांबुल में इस्लामी बैंक ताजरों की सहूलियत के लिए बनाया गया था, जिसमें बग़ैर सूद के शराकत, मुजारबत, मुराबहा और दूसरे जराए से ताजिरों की ज़रूरत को पूरा किया जाता था। बचतकारों से पैसे जमा करके माशरे की जो माशी ज़रूरियात हैं और तजारती ज़रूरियात हैं उसको पूरा किया जाता है इस्लामी बुनियादों पर। तो चुनांचे ये कहा जा सकता है कि मौजूद जो जो सूदी बैंक हैं उनके पास तो एक ही चीज़ है, कर्ज कर्ज कर्ज, सूद पर सूद पर सूद पर। लेकिन इस्लामी बैंकों के पास 7 मुख्तलिफ तरीके हैं मामले के, जो उसी उन्हीं फंक्शन को अदा करते हैं जो बैंक करते हैं, लेकिन उसको तर्क करते हैं इस तरीके से कि इस्लाम की किसी भी हराम चीज में मुलव्वस ना हो और हलाल तरीके से हो। चुनांचा 7 चीजों में आप इसको, क्योंकि आप तो सब अरबी मुस्तलहात से भी वाकिफ हैं इसलिए मैं अरबी की इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले तो वकील, वकाला बिल इस्तिस्मार, यानी इन्वेस्टमेंट एजेंसी के तौर से, गोया बैंक जो है लोगों से, कुछ लोगों से लेता है और कुछ लोगों को देता है, और बीच में अपनी वकाला फीस जो है वकाला फीस लेकर अपना काम चलता है। तो वकाला बिल इस्तिस्मार बिल्कुल वकील का, वकील के सिलसिले में जो कवानीन हैं और जो फकी हुआ है उसकी बुनियादों पर भी करंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट सारे के सारे ऑपरेट हो सकते हैं और इन्वेस्टमेंट दिया भी जा सकता है। उसके अलावा सिंपल मुशारका यानी पार्टनरशिप जो है, मुशारका की बुनियाद पर भी बहुत सारी सरमायाकारी इस्लामी बैंक कर सकते हैं। इसी तरह मुजारबा की बुनियाद पर भी, देखिए मुजारबा में तो दो, एक साहब सरमाया, एक साहब जो अपनी एक्सपर्टीज के जरिए, दो इंसानों में तबादला होता था। लेकिन फ़िक़्हे हनफी के मशहूर फकीह अल्लामा सरख्सी, जिन्होंने मबसूत लिखी है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि अल मुजारिबो युजारिबो, यानी मुजारिब जो मुजारबत की बुनियाद पर किसी से सरमाया लेता है वो किसी और के साथ भी मुजारबा कर सकता है। तो गोया आम लोगों से जो बचत और सेविंग अकाउंट से जो पैसे लिए जाते हैं बैंकों में, वो मुजारबत की बुनियाद पे लिए जाते हैं, और फिर बैंक मुजारिब होने की हैसियत से वो ताजिरों को भी मुजारबत की बुनियाद पे दे सकता है। ये यानी 34 सदी से पहले अल मुजारिब और युजारिबों का तस्वुर नहीं था, लेकिन फिक्र हनफी में माशाल्लाह जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब मुजारबत की बुनियाद पर दो इंसानों के दरमियान मामला हो सकता है तो तीसरे पार्टी से भी मामला हो सकता है, डबल मुजारबा इसको कह सकते हैं। ये गोया एक नई शक्ल थी जो बैंकिंग के लिए। तो 1960 में यहाँ डॉक्टर निजातुल्ला सिद्दीकी हफिजहुल्लाह ने यहाँ हिंदुस्तान में ये तस्वुर अंग्रेजी में दिया एज ए इकोनॉमिस्ट, और पूरे आलम इस्लाम में गोया उसको कबूल किया गया। तो वकाला की बुनियाद पर, शराकत की बुनियाद पर, मुजारबत की बुनियाद पर, इसी तरह मुराबहा, मुराबहा और तौलिया जो है हिदाया में बहुत ही अहम चैप्टर है। एक तो क्लासिकल मुराबहा था, लेकिन मुराबहा मुअज्जला यानी फाइनेंसिंग कंज्यूमर गुड्स को जो फाइनेंस किया जाता है मुराबहा की बुनियाद पर, यानी कॉस्ट प्लस जो लागत है उस पे प्रॉफिट बताकर लिया जाता है, जो कि जायज शक्ल है, और सूद का 100% मुतबादल है, यानी जो काम सूद के जरिए होता है वही काम मुराबहा के जरिए भी हो सकता है। चुनांचा खिलाफत इस्लामिया में इस्तांबुल में 1920 के जब, यानी जिस तरह आजकल हुकूमतें और मरकजी बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर करती हैं, तो खलीफा वजीर आजम के हाउस से मुराबहा का रेट भी डिक्लेयर होता था,
मुस्लिम खिलाफत के ज़माने में। तो वकाला, शराका, मुजारबा, मुराबहा, फिर उसके बाद लीस, इजारा। इजारा भी एक शरी तरीका है मामले का। तो बैंकों के पास जो सरमाया जमा होता है लोगों से बचत की शक्ल में, वो इजारा की बुनियाद पर लोगों को मशीनरी भी लीज की जा सकती है, फैक्ट्री भी लीज की जा सकती है। जैसे आजकल हवाई जहाज जो चलते हैं, सब एयरलाइनें उसकी मालिक नहीं होती हैं, बल्कि वो किसी से किराए पर लेके चलाती हैं। और गोया जैसे बैंकों के पास अगर 100 मिलियन जमा हुआ है, तो गोया उस 100 मिलियन का वो खरीद के एक जहाज किसी एयरलाइन को दे देते हैं चलाने के लिए, और जो भी उसका किराया आता है उसी से सबको प्रॉफिट दे दिया जाता है। तो ये इन्हीं जो मामलात की जो शक्लें थी इस्लाम में और तारीख में, उन्हीं सब को बैंकों में इंट्रोड्यूस करके सूद से पाक इस्लामी बैंकिंग शुरू की गई 1960 की दहाई में, और आज जो है दुनिया के अक्सर बहुत सारे ममालिक में फैल चुकी है। तो ये 5 चीज़ें अब तक बयान किया है मैंने। उसके बाद कुछ और शक्लें हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन है और डेवलपमेंट है रोड्स का, और एग्रीकल्चरल फाइनेंस है, यानी ये जो फार्मर्स को फाइनेंस की जाती है, इसके लिए सलम बाबू सलम जो हमने हिदायत में पढ़ा है, सलम और सलम या सलम दोनों ही अल्फाज उसके आते हैं, यानी अंग्रेजी में उसको कहते हैं पोस्ट डिलीवरी सेल, यानी पैसा अभी दे दिया जाए और सामान और चीज़ें वो बाद में अगले सीजन में चंद महीनों के बाद मिलें। बै सलम जो है उसके ज़रिए भी फाइनेंस इस्लामी बैंकों में की जाती है, ताकि सूद से बचा जा सके। तो हर सेक्टर के लिए ये जो 7 चीज़ें हैं, 6ठी चीज़ जो मैंने बताया बै सलम, फिर 7वीं चीज़ है बै इस्तिस्ना। जैसे किसी मोची से हम कह के अपने साइज का जूता बनवाते हैं और उससे कुछ तय कर लेते हैं, इसी तरह अगर किसी बिल्डर से हम अपनी बिल्डिंग और फ्लैट बनवाते हैं, तो गोया अगर बैंक ये काम करें तो वो इस्तिस्ना की बुनियाद पर फाइनेंस करेंगे, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो या किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो या मशीनरी और बड़ी बड़ी चीज़ों का जो है, जैसे आजकल मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, इन सब का भी आजकल फाइनेंस जो है इस्तिस्ना की बुनियाद पर किया जाता है। ख़ास तौर से कंस्ट्रक्शन में इस्तिस्ना इस्तेमाल होता है, यानी बिल्डिंग वगैरह में, और एग्रीकल्चर यानी किसानों के लिए जो किसानों को ज़रूरत होती है कि उनको कुछ पैसे मिले जिसकी बुनियाद पर फिर वो खेती करें, और खेती करने के बाद जब वो चीज़ आ जाए तो वो फिर वापस उसको बेच के पैसे दे दें। तो बै सलम के ज़रिए एग्रीकल्चर और ये किसानों का के साथ जो मामला होता है, इसी तरह कंस्ट्रक्शन में जो मामला होता है इस्तिस्ना से। तो ये गोया 7 डिफरेंट तरीके हैं इस्लामी बैंकारी में जो सूद का मुतबादिल प्रोवाइड करते हैं। और आपने चूँकि सबको अलग अलग पढ़ा है और क्लासिक तौर से पढ़ा है और पुराने ज़माने में जैसे होता था वो पढ़ा है, अब उसी की जो तरक्की याफ्ता शक्लें हैं वो आजकल इसको उलमा ने उसको आगे बढ़ाया है, ख़ास तौर से अरब उलमा और उन सब के लीडर जो हैं वो हमारे शेख तकी उस्मानी हाफिज़ुल्लाह हैं, जो हमारे इन्हीं उलमा के सरखेल हैं, और एक ख़ास अल्लाह ने उनको सलाहियत भी दी है और उनको इज्जत भी दी है। तो जो शरई मेयारात हैं इन सब काम करने के, यानी ये 7 तरीकों से फाइनेंस करने के जो शरई उसूल हैं, वो सब के सब एक मायरु शरिया यानी शरई मेयारात की शक्ल में 61 मेयार बहरीन से छपे हैं, जिसके चेयरमैन शेख तकी उस्मानी हफिज़ुल्लाह हैं, और 500 और उलमा हैं, सब मिलकर ये 7ों मामलात तय करते हैं। और आजकल के जो बैंकिंग और दूसरे जो इदारे हैं उनमें जो सरमायकारी के जो तरीके हैं सूदी, उसका मुतबादिल जो है इन 7 तरीकों में लोगों को फराहम किया है, और उसका अमली
उसकी अमली शक्ल भी मुख्तलिफ ममालिक में बहुत अच्छी तरह जारी उसारी है और बिल्कुल कायदा कानून के तहत इन क्लॉज बाई क्लॉज और बुंद बाई बुंद जो है ये मेयार शरई जो है छपे हुए हैं। मैं उसको पढ़ाता रहा हूँ और आप भी उसको पढ़ सकते हैं जब भी, अगर इसमें किसी भी लाइन में या किसी भी इन सात चीज़ों में से किसी भी सेक्शन में जब आप शरी चीज़ों को देखना चाहेंगे तो वो मेयारात जो हैं वो छपे हुए हैं अरबी, अंग्रेज़ी, फ्रेंच और दूसरी ज़बानों में, और उसको हम अगर पढ़ें तो समझ में आ जाएगा कि शरीयत के तमाम तकाज़ों को, जायज़ और नाजायज़ तकाज़ों को आज के मौजूदा बैंकिंग में बग़ैर सूद के मामलात, शराकत, मुजारबत, वकाला, मुराबा, इजारा, सलम और इस्तिस्ना के तरीके से किस तरह अदा किया जा रहा है। आप हजरात क्योंकि खुद ही आलिम हैं और पहले से देखा हुआ है, इसलिए मैं ये इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर अंग्रेजी दा हजरात होते हैं तो उनके सामने मैं इनकी अंग्रेजी इस्तिलाहात बताता हूँ ताकि उनके समझ में आए कि सूद का जो मुतबादल है वो अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा बहुत सारे तरीके हैं और जिससे माशरे की तमाम ज़रूरियात और तकाजे पूरे हो जाते हैं। कहीं कहीं पर इस्लामी बैंकों को कुछ कानूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लिहाजा वो इन सात चीज़ों के अलावा बाज किसी खास चीज़ में आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मुराबहा जो है, मुराबहा का जो स्ट्रक्चर है इस्लाम में वो मौजूदा कानूनी तकाजों के मुताबिक होता है, लिहाजा बहुत सारे बैंक जो हैं इस्लामी मामला जब करते हैं तो मुराबहा ही करते हैं क्योंकि उनमें कोई कानूनी पेचीदगी नहीं होती है। दूसरी चीज़ों में कुछ कानूनी मुश्किलात और कानूनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि जब अल्लाह ताला ने शरीयत के ज़रिए ये सात तरीके हमें दिए हैं मामलात करने के, तो जिस तरीके से भी हम कर लें जब तक कि जायज़ है तो वो हलाल होगा हमारे लिए, क्योंकि जैसे कि हमें और आपको इल्म है कि इबादात जो हैं उसमें तनव्वो और ईजाद बिदत है, लेकिन मुआमलात जो है उसमें तरीके और कोई चीज़ें फिक्स नहीं है। सिर्फ चंद हिदायत दे दी गई कि ऐसा ऐसा मत करना, हराम में मत जाना, बकिया जैसे चाहें मामलात आप करते रहें। तो इबादात में हर चीज़ फिक्स है, उसमें तनव्वो की इजाज़त नहीं है, लेकिन मामलात में हर किस्म की आज़ादी है। सिर्फ चंद चीज़ों से परहेज़ करना है, सूद, धोखादेही और क़मार और गरर, ये चार चीज़ों से बचते हुए जो भी मामलात किए जाएं इंसाफ के तकाजे के साथ, कानून के दायरे में रहते हुए, और मुख्तलिफ तरीके हैं जो नफा नुकसान में शिरकत के, उसके ज़रिए जब करते जाएंगे तो वो चीज़ जायज़ हो जाएगी और वही काम होगा जो सूदी ज़रिए से दूसरे लोग करते हैं। चूँकि अल्लाह ताला ने ये दीन जो है हमारे लिए रहनुमाई भेजी है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मौजूदा दौर में बैंकिंग इदारे में इस्लामी कोई तरीका ना हो। यानी हम समझ सकते हैं कि ये तकरीबन अल्लाह की रहमत से बहुत बईद है कि मौजूदा ज़माने में जो मसाइल हैं उसका हल हमारी शरीयत में ना हो, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि हल है और बहुत ही मुतनव्वे है और हर माहौल और हर कानूनी तकाज़ों के मुताबिक उसको किया जा सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 15-20 साल का जो तजुर्बा है वो यूरोप का हो, यूके का हो या हिंदुस्तान का हो, हिंदुस्तान में भी जितनी मुश्किलात हैं उसके बावजूद इंशाल्लाह कल या परसों आप सुनेंगे कि इस्लामी बैंकारी की इजाज़त ना होते हुए भी जो दूसरे तरीके हैं बिजनेस करने के, उस तरीके से बैंक तो नहीं चल रहे हैं इस्लाम के हिंदुस्तान में, लेकिन दूसरे मालियाती इदारे हैं और चल रहे हैं। आप उनकी तफसीलात इंशाल्लाह मुझसे सुनेंगे। तो मैं आज के इस मुख्तसर, यानी जैसे कहते हैं ना कि एक तायराना नज़र तारीख, मौजूदा बैंकिंग निज़ाम की तारीख पर, उसके फंक्शन पर, फिर उस फंक्शन को हमने कैसे इस्लामाइज किया है, इस्लामिक तरीके से बनाया है, और क्लासिक जितने तरीके थे उनमें इज्तिहाद के ज़रिए, उनमें जैसे कम्बिनेशन के ज़रिए आजकल उसका सोल्यूशन पैदा किया है। तो मसलन
थोड़ा सा अगर मैं एक इशारा कर दूं, 5 मिनट और है मेरे पास 9:30 बजे से पहले, कि जैसे शराकत में दो आदमी जमा होते थे तो अब 1000 आदमी भी जमा हो सकते हैं जो किसी कंपनी के बनाने में है। तो जब इसी तरह बैंक के जरिए जब शराकत होती है तो जितने खातादार हैं, चाहे करंट हो या डिपॉजिट वाले हो, वो सब आपस में शरीक हैं और बैंक उनके नुमाइंदे के तौर से दूसरों के साथ मुजारबत कर सकता है। तो मुजारबत अल शराका, यानी ये जो 7 तरीके इस्लामी हैं, ये अलग अलग तो मारूफ थे लेकिन इन सब को कंबाइन करना, मुरक्कब यानी मुरक्कब करना, ये मौजूदा इस्लामी बैंकिंग का एक अनोखा काम है जो कि जायज़ और शरी हदूद में किया जा रहा है। तो खातेदार आपस में शरीक हैं, बैंक वकील हैं और जो सरमाएकारी हो रही है वो मुजारिब है। तो ये तीन लेयर जो रिलेशनशिप क्रिएट की जा रही है वे यही इनोवेशन है। इसी तरह मुजारबा में भी अल मुजारिबो युजारिबो की डबल मुजारबा, मुजारबर पर मुजारबा हो रहा है, यानी खातादार हजरात मुजारबतन दे रहे हैं बैंक को और बैंक उसको मुजारबतन ताजिरों को दे रहा है। ये एक नई चीज है जो 4वीं-5वीं सदी से तसव्वुर में थी लेकिन उसका अमली मुजाहरा आज हो रहा है। इस तरह मुराबहा जो है, मुराबहा तो इस्तेमाल होता था कि किसी से यानी बहुत ही साफ मामला किया जाए, लेकिन मुराबहा मुअज्जला यानी अकसात पर जो कार और दूसरी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें ली जाती हैं आजकल खलीज में और हर जगह पर, ये बहुत मारूफ है। मुराबहा की एक बहुत ही नई शक्ल आज की निकाली गई है जिसका पुराने मुराबहा से बहुत ज़्यादा उसके मुख्तलिफ नहीं है, उसी पर बेस्ड है लेकिन उसी के कायदे कवानीन को आज की मुराबहा के जरिए कंज्यूमर फाइनेंस यानी आम लोगों की ज़रूरियात को मुराबहतन जो है बैंक पूरा करते हैं। इसी तरह जो सनअती ज़रूरियात हैं, मशीनरी है या एयरक्राफ्ट हवाई जहाज को लीज करना जो होता है वो इजारा के जरिए हो रहा है। इजारा बड़े बड़े इजारे हैं, करोड़ों और अरबों रुपये में इजारा के मामला हो रहे हैं। और जैसे कि मैंने अर्ज किया तो गोया इस्लाम की जो बुनियादी और शरी बुनियादी चीज़ें थी उसी में तनवो करके और उसी में उसके तरकीबाती निज़ाम को और आगे बढ़ा कर उलमा ने अपनी फकाहत का सबूत दिया है। और आप और हम हजरात जो कि हम इफ्ता के तख़स्सुस कर रहे हैं, हमारा जहन हमेशा इंशाअल्लाह लजीज खुला हुआ है और रहना चाहिए कि माशरे में कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं है जिसका हल इस्लामी शरीयत में, इस्लामी फ़िक़्ह में ना हो। अगर पहले वो चीज़ नहीं मौजूद थी, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत सारी हमारे सामने है। जी, तो दुआ फरमा लीजिए, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और इंशाल्लाह फिर कल सुबह 8:30 बजे फिर इंशाल्लाह आप हजरात से मुखातब होंगे हमारे मुफ्ती बरकतुल्लाह साहब दामत बरकात हूँ। दुआ फरमा लीजिए, आपसे दरख्वास्त है, आप दुआ फरमा लें। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم ديننا الذي هو عصمه امرنا اصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا اللهم اصلح لنا الاخره التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم زدنا وانقصنا اكرمنا ولا تهنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم عاصرنا ولا تؤثر علينا اللهم ارضنا وارض عنا اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم عاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمة. جزاكم الله تعالى في الدارين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.